एवरीवन अ वेरी गुड इवनिंग सो वेलकम टू एग्रीकल्चर डॉ ट्वेंटी फोर आई एम प्रतिभा शर्मा और आप मेरे साथ रोज लाइव छह बजे जुड़ते हो उड़ान क्लासेस में सो अ वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग सो मैं विशेष देख लू क्या अच्छा तुम ये देख रहे हो कि तुम तुम स्पेशल बन हो पहले तो मैंने सोचा था कुछ प्लान बनाती हूँ अपने बर्थडे का बाहर जाती हूँ ठीक है लेकिन उसके बाद अब मैं यहाँ हूँ तुम्हारे सामने लाइव सो दामिनी गुड इवनिंग अमन गुड इवनिंग योगेंद्र थैंक यू सो मच जी थैंक यू शिवी थैंक यू समृति परिष्ठा शैलेन्द्र थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मैम थैंक यू थैंक यू थैंक यू शुभम थैंक यू भूमिका थैंक यू सबको थैंक यू तो भाई आपको पता है कि सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बोलती हूं अगर आप नए हो तो प्लीज एग्रीकल्चर आडा ट्वेंटी फोर सेवन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि एक तो है फ्री और दूसरा आपको फ्री में जो है इतनी सारी चीजें मिल रही है द बेस्ट चीजें मिल रही है इतने सारे एमसी मिल रहे हैं कौन देता है यार है ना सो so, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो इसके साथ ही आप अंडर ट्वेंटी फोर सेवन की मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जिसमें आपको क्विजेज मिलेंगे स्टेट वाइज जॉब अलर्ट्स मिलेंगे कैप्सूल्स मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज क्विजेज मिलेंगे और आपके टीचर्स की कम्युनिटीज मिलेंगी जिनको आप फॉलो कर सकते हो ओके संध्या सुनैना मनीषा रानी आकाश थैंक यू थैंक यू सो मच जो ये बाद में वीडियो देखेंगे ना वो सोचेंगे क्या थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो ठीक है सो so, हो गया? हजार साल नहीं जीना मुझे ठीक है हजार साल मत ये मत करो बुढ़े होके नहीं जीना मुझे ठीक है क्या होता है वो जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए है ना दैट्स द थिंग और वो बड़ी कब होगी जब आप सब भी साथ देंगे है ना आपकी भी सिलेक्शन होगी और मैं भी अच्छा अच्छा परफॉर्म करती जाऊंगी और मैं जो है वो अच्छा परफॉर्म कब करूंगी जब आप मुझे ऐसे ही एनकरेज करते रहेंगे ये लाइव सेशंस ज्वाइन करके ओके सो टुडे इज माय बर्थडे एंड थैंक यू सो मच जो भी विश कर रहे हैं तो बस अब आज का सेशन शुरू करते हैं चलो आज का सेशन शुरू करते हैं आजा जोन में सो so, हम कर रहे हैं एंटोमोलॉजी के क्वेश्चंस तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो आज तो स्पेशल वाला टॉपर जो है वो होगा जो भी होगा जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा सब लाइक कर देना कहना उन्हें क्योंकि बर्थडे अच्छा जी बर्थडे है तभी लाइक करोगे सेशन को ऐसे नहीं करोगे हाँ यार सेशन को लाइक कर दो जो जो ज्वाइन कर रहे हैं सेशन को लाइक कर दो और उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ इंसेक्ट ब्लड इज नोन एज जो इंसेक्ट का ब्लड होता है उसको क्या बोला जाता है जल्दी से आ जाओ Uh, मैम मैंने आपका एम में क्लास देखा बहुत अच्छे से समझाते हैं सेल uh, में डीएनए है तो ये है वो है हेरिडिटी में हमें क्या ट्रांसमिशन कैसे होता है ओके 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 थैंक यू सो मच हाँ जी बताइए जी तो आंसर आ चुका है विशु चौधरी का सबसे पहले देन uh, सुनैना चेतक uh, संध्या ओके वेरी नाइस सो अब हम यहां पर देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन है हीमोसाइट देन हीमोसील हीमिम्फ ठीक है तो ये ना सेम सेम से वर्ड होते हैं इनको याद कैसे रखना है वो मैं आपको बताती हूं ओके okay. सो so, सबसे पहले ना जब आपको कोई कैविटी हो जाती है चाहे दांतों में कैविटी हो जाती है कैविटी मतलब यहां पे दांत में से कुछ निकल जाता है ठीक है होल कैविटी हो जाती है तो आपको क्या करना पड़ता है उसको सील करना पड़ता है जब कोई कैविटी हो जाती है बेटा तो उसको क्या करना पड़ता है सील करना पड़ता है तो जहां पर भी हीमोसील होगा है ना C -O -L, seal इसको. वहां पर क्या होगा बॉडी कैविटी ऑफ इंसेक्ट ठीक है तो जो बॉडी कैविटी होती है इंसेक्ट की जहां पर आएगा वो वो क्या होगा योर ब्लड सेल और जो एक्चुअल जो ब्लड है आपका आपका नहीं इंसेक्ट का उसको बोला जाता है आपका ओ हीमो लिंफ बोला जाता है ठीक है सील जो है वो क्या है आपका बॉडी कैविटी है साइट्स क्या है जो प्लाज्मा और ब्लड सेल है इंसेक्ट बॉडी में और जो ब्लड है उसको बोला जाता है हीमो लिंफ ठीक है सो बी बी किसने किया है यार टू टू किसने किया आंसर हीमो लिंफ होता है ठीक है जी चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पेयर ऑफ विंग्स इन इंसेक्ट्स आर प्रेजेंट ऑन जो इंसेक्ट में विंग्स होते हैं टू पेयर ऑफ विंग्स होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं नीजोथोरैक्स में मेटाथोरेक्स में बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीस जल्दी बताइए विशु लड़की है भाई लड़की है So, यहां पर सभी आंसर कर रहे हैं वन 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 मैम ने थ्री आंसर किया है एंड uh, शिवी योगेंद्र ने थ्री किया है देन सनी तो बी कर रहा है तुम्हारे एंटोमोलॉजी में बहुत बुरे हाल है ओके okay, चेतक बोल रहे मीजोथोर एक्स में होता है बेटा बेटा नोटबुक्स निकालो और आंसर भी लिखो ठीक है इट्स बोथ ए एंड बी इधर देखो दिस इज योर इंसेक्ट ठीक है दिस इज योर इंसेक्ट यहां पर ये वाला रीजन क्या होता है आपका हेड होता है ठीक है इंसेक्ट का ये वाला रीजन क्या होता है थोरेक्स होता है है ना इंसेक्ट का मतलब क्या बताया था इंसेक्टम का कट इनटू है ना कट इनटू नंबर वन हेड नंबर टू थोरेक्स एंड नंबर थ्री इज एबडोमिन ओके अब यह जो थोरेक्स पोर्शन है यह भी फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ है कौन सा योर प्रोथोरेक्स ये मीजो है बीच वाला मीजो एंड देन लास्ट वाला मेटा ओके okay? तो ये देखो पंख जो है वो एक यहां से निकला है मीजो से और एक यहां से निकला है मेटा से तो जो मीजो और मेटा है दोनों से ही जो है वो क्या निकलते हैं विंग्स निकलते हैं ठीक है यहां पे देख सकते हो मीजो एंड मैटाथोरेक्स प्रोथोरेक्स से नहीं निकल रहे हैं, है ना मीजो और मेटा से जो है वो इंसेक्ट के विंग्स निकल रहे हैं ओके जी रानी दोनों पे होता है ओके चेतक समझ में आ गया और कोई बात नहीं मैं ये क्वेश्चंस रिपीट करके भी लाऊंगी रैपिड फायर में ताकि मुझे पता चले कि पीछे जो जिसने गलत किया था क्या वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक है तो ब्लड का पता चल गया सबको ब्लड का पता चल गया कौन सा होता है इसमें से ब्लड लिखो सारे लिख के बताओ इंसेक्ट के ब्लड को क्या बोला जाता है है ना इंसेक्ट के खून जो होता है इंसेक्ट का उसको क्या बोला जाता है जल्दी लिख के बताओ सारे उसके बाद मैंने हीमोसील बताया जो बॉडी कैविटी होती है इंसेक्ट में ठीक है और जो हीमोसाइट है आपका वो होता है आपका प्लाज्मा और ब्लड सेल कौन सा बचा आपका सी बचा इसको लिखो भी हीमोलिम्फ वेरी नाइस विशु ठीक है करेक्शन कर लेनी है चलो नाउ सेकेंड का आंसर समझ में आ गया मीजो और मेटा दोनों में होता है देन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बॉडी वॉल ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज जो बॉडी वॉल होती है इंसेक्ट की जो आउटर कवरिंग होती है बेटा जो बॉडी वॉल होती है उसको क्या बोला जाता है क्या उसको काइटिनस एक्सोस्केलेटन बोला जाता है क्या उसको इंटेग्यूमेंट बोला जाता है क्या उसको मोल्टिंग बोला जाता है या बोथ ए एंड बी ओके सो शुभम कर रहे हैं कि सी बोला जाता है ओके okay, मैम भी सी बोल रही है शिवी बी बोल रही है दामिनी इज सेइंग वन ओके ओके सो एवरी वन इज सेंग बी 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 सो द राइट आंसर इज योर फोर बोथ ए एंड बी क्योंकि बेटा जो बॉडी वॉल होती है इंसेक्ट की है ना वो काइटिन से बनी होती है एक्सोस्केल्टन मतलब बाहर वाली कवरिंग तो आपका काइटिनस एक्सोस्केल्टन मतलब बाहर वाली जो काइटिन से बनी हुई है और काइटिन क्या होता है काइटिन एक नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड होता है काइटिन से बनी होती है और प्रोटीन से बनी होती है जो इंसेक्ट की बॉडी वॉल होती है बेटा ब्लड का समझ आ गया हीमोलिफ बोलते हैं जो बॉडी वॉल होती है वो काइटिन और प्रोटीन से बनी होती है जिसमें काइटिन क्या होता है काइटिन होता है आपका नाइट्रोजिनस नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेराइड बहुत ही मोटा ये स्केच और इंटेग्यूमेंट भी आपकी बॉडी वॉल को ही बोला जाता है सो बोथ ए एंड बी जबकि जो मोल्टिंग बचा है वो तो जब इंसेक्ट जो है अपनी स्किन को जो है वो कास्टिंग करते हैं अपनी स्किन को जो है रिमूव कर देते हैं नई स्किन चेंज करते हैं जैसे इच्छाधारी इच्छाधारी तो क्या सांप जो होते हैं ना अपनी स्किन पूरी निकाल देते हैं वैसे इंसेक्ट भी करते हैं और वो क्या करते हैं अपना जैसे लार्वा से मोल्ट होके थर्ड इंस्टार बनता है सेकेंड इंस्टार बनता है फोर्थ इंस्टार बनता है चेंजेस लाते हैं वो तो वो है आपका मोल्टिंग ठीक है जबकि ये दोनों ही जो है वो बॉडी वॉल ऑफ इंसेक्ट है ठीक है समझ में आ गया आ, गौरव थैंक यू सो मच राजनंदिनी इट्स ओके गलत हो गया तो कोई बात नहीं ये थोड़ा आ, ऐसा सब्जेक्ट है ट्रिकी सा सब्जेक्ट है बट इसको आप नोटबुक्स पे लिखोगे रिवीजन करोगे मैं ये क्वेश्चन आपसे बार बार रिवाइज करवाऊंगी बीच बीच में दो दो तीन तीन लेकर आऊंगी रैपिड फायर में ओके okay? एक बार आप समझ लो इसको सुगीता थैंक यू सो मच बीच बीच में थैंक यू कर लेते हैं आ, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन इज ठीक है द मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ इंसेक्ट आर नोन एज स्क्लेरोटीन रेजिलीन आर्थ्रोपोडिन या ये सभी ही आपकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन हैं। तो सबसे मेन वाली जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है इंसेक्ट में उसको क्या बोला जाता है ओके okay, सो so, संध्या लिख रही है सी एंड uh, बाकी सब लिख रहे हैं ऑल मैम भी लिख रही है थ्री So, मुझे तो लग रहा है शिवा राठौर भी लिख रहे हैं सी सो तपस थैंक यू सो मच सो मुझे लग रहा है कि uh, मैम को ना एंटोमोलॉजी बहुत अच्छे से आती है जो मैम यूजर नेम है सो द राइट आंसर इज बेटा इट्स आर्थरोन ठीक है जो मेन वाली स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो स्ट्रक्चर बनाती है एक जो मेन स्ट्रक्चर बनाती है इंसेक्ट का वो है आपकी आर्थरोप्रोटीन अब मैंने आपको बताया बेटा जो इंसेक्ट की वॉल होती है ना है ना जो आपका होता 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 है 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 जो integument होता है, वो वो किससे बनी बनी होती होती से से और से, अब proteins भी अलग अलग टाइप की होती हैं जो प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाती है वो होती है आपकी आर्थ्रोपोडिन लिख लो जो मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है आपकी वो है है ना नो डाउट ये भी proteins हैं है ना लेकिन ये स्क्लेरोटिन प्रोटीन आपकी टैनिंग प्रोटीन है ठीक है ओके ये जो है आपकी आ, रेजिस्ट कर जाती है जो भी कोई माइक्रो या हाइड्रो हाइड्रोलॉजिकल जो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उससे रेजिस्ट कर जाती हैं, जबकि रेजिलिन जो है वो क्या है इलास्टिक प्रोटीन है इलास्टिक प्रोटीन तो तो जितनी भी विंग्स में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इंसेक्ट की बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो रेजिलियंस से आती है ठीक है और जितने भी जो इंसेक्ट की बॉडी है ना वो पानी में भी ठीक ठाक परफॉर्म करती है और सब कुछ होता है इतनी स्ट्रांग होती है वो आपका इस प्रोटीन की वजह से होता है लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर हाँ तुक्का गलत ही होता है बट इट्स ओके okay. अभी तुम तुक्का लगा लो दूसरी बार जब मैं ये क्वेश्चन फिर से लेके आऊंगी तो एनालाइज करना है घर जाके और सबका सही होना चाहिए उसमें ठीक है सो द राइट आंसर इज बेटा इस प्रोटीन समझ में आ गया लिख लो क्या क्या सीखा बेटा आपने इसमें एक तो इंसेक्ट की बॉडी वॉल को क्या बोला जाता है इंटेग्यूमेंट भी बोला जाता है और काइटीनस एग्जोस्केल्टन भी बोला जाता है अब जो इंसेक्ट की बॉडी वॉल है ना वो आपकी काइटिन और प्रोटीन से मिलके बनी है काइटिन क्या होता है एक नाइट्रोजिनस कार्बोहाइड्रेट होता है या पॉलीसेकेराइड होता है है ना अब जो बॉडी मेन वाली बॉडी बनी है वो आपकी एंथ्रोपोडिन प्रोटीन से बनी है इलास्टिसिटी जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इंसेक्ट में वो आपकी रेजिलिन प्रोटीन से बनी है जिसको इलास्टिक प्रोटीन बोला जाता है और ये आपकी टैनिंग प्रोटीन है ठीक है जो आ, इंसेक्ट की बॉडी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है ओके okay? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इंसेक्ट बॉडी वॉल ज डिवाइडेड इंटू थ्री है? बेटा इंसेक्ट की जो बॉडी वॉल होती है वो थ्री होती है आपको ये बताना है कि से एक ही ले क्यूटिकल सेकेंड इज एपीडर एंड थर्ड इज योर बेसमेंट मेमब्रेन सो ब्लॉगर सिद्ध थैंक यू थैंक यू क्रिश थैंक यू एंड रीना थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच चलो सो so, सभी ऑल ऑल लिख रहे हैं थैंक गॉड, तुम्हें यह पता है कि जो इंसेक्ट की बॉडी वॉल होती है वो थ्री लेयर्स में डिवाइड होती है पहली लेयर क्यूटिकल

ठीक है हाइपोडर्मिस ये एक ही साथ होती है ठीक है ओके okay? चलो इसके अंदर क्या क्या होता है वो हम नेक्स्ट एमसीक्यू में देखेंगे सो द राइट आंसर इज फोर ये तीनों लेयर्स ही इंसेक्ट जो बॉडी वॉल है उसकी थ्री लेयर्स होती हैं। नाउ नेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट कहाँ है जो आईपीएम का जो नेशनल सेंटर है वो कहां पर लोकेटेड है क्या वो न्यू दिल्ली में है बेंगलोर में है नासिक में है या मुंबई में है बताइए कहा है नेशनल सेंटर ऑफ इंटी अच्छा मैं आपको बता देती हूँ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है और इसकी जरूरत क्या पड़ी इंटीग्रेटेड का मतलब होता है सब कुछ जुड़ा जुड़ा हुआ है ना तो आप इसमें अकेले केमिकल्स का यूज नहीं करते हैं। क्योंकि आप अंधाधुंध केमिकल्स का यूज करते हो ना सो so, बोला जाता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आना शुरू हो गए हैं आ, हम डिस्कस कर रहे थे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट तो अगर हम अकेले केमिकल या यू यू कैन से पेस्टिसाइड का ही स्प्रे करते हैं ना पेस्ट को मारने के लिए है ना तो कई बार क्या होता है पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पीटता ही रहे पीटता ही रहे तो एक वक्त ऐसा आता है आपको पिटाई का कोई फर्क नहीं पड़ता बोलते मार ले ठीक है खाता ही हूं मैं बचपन से खाता वही आ रहा हूं है ना दो की जगह तीन थप्पड़ मार लो तो आ, पेस्ट में भी क्या होता है पेस्टिसाइड से रेजिस्टेंट आ जाती है रेजिस्टेंस आ जाती है तो उसको बचाने के लिए हम कुछ फिजिकल मेथड मैकेनिकल मेथड बायोलॉजिकल मेथड भी यूज करते हैं तो ये अप्रोच है एक जहां पर हम सारे मेथड्स का इकट्ठा यूज करते हैं ठीक है और केमिकल पे लास्ट में आते हैं अगर बहुत ही जरूरत पड़ जाए ओके ओके सो द राइट आंसर यहां पर सबने दे दिया है आई थिंक इजी था ये न्यू दिल्ली में है आपका नेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर पेस्ट ऑफ कुकुर इज बताइए कुकुर का मेजर पेस्ट कौन है बग है हाडा बीटल है रेड पंपकिन बीटल है या हॉपर्स है तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर तो आपके ऑप्शंस में ही आंसर है क्योंकि देखो मिली बग तो आपका ज्यादातर किस में आता है जहां पे थोड़ा वुड वुड सा होता है ठीक है तो फ्रूट क्रॉप्स में आता है और फ्रूट क्रॉप्स में भी जो मैंगो है वहां पर ज्यादा आता है अगर हम हार्डा बीटल की बात करें ना तो पोटैटो में यह ज्यादा आता है देखने को मिलता है है ना और हार्डा बीटल किससे रिजेंबल करता है बेटा जो हार्डा बीटल होता है ना वो थोड़ा थोड़ा लेडी बर्ड बीटल के जैसा लगता है ठीक है लेकिन उसका जो कलर होता है वो थोड़ा डल सा होता है राइट right? और उसके स्पॉट्स का भी कोई सीजन होता है जो हम पढ़ेंगे nice. तो और ये कुकुरबिट्स में ही आता है दिस इज द राइट आंसर ये मेजर तो right पेस्ट होता है आपका कुकुरबिट्स का जबकि हॉपर्स जो है वो तो एक वेक्टर है जो बीमारियां फैलाता है टाइप्स ओके सो द राइट आंसर इज थ्री योर रेड पंपकिन बीटल नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन काइटीनस प्रोटीन लेयर ठीक है अब जो क्यूटिकल है बेटा मैंने आपको बोला था कि क्यूटिकल का हम आगे पढ़ेंगे बॉडी वॉल की जो फर्स्ट लेयर थी क्यूटिकल है ना वो क्यूटिकल भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होती है आपकी एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल तो आपको बताना है कि ये दोनों जो लेयर हैं क्या ये दोनों ही आपकी काइटीन प्रोटीन से बनी होती है अगर तो ये दोनों ही काइटीन प्रोटीन से बनी होती है तो नन ऑफ दीज आंसर आएगा या तो इन दोनों में ही काइटीन नहीं होता है देन तो आपका सी आएगा ए एंड बी लेकिन इन दोनों में से क्या किसी एक में ही काइटीन होता है और एक में नहीं होता मतलब एक में आपका नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड होता है और एक में नहीं होता सो so, सब लिख रहे हैं बी 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 एंड प्रो 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 परिष्ठा ने एपी लिखा है शिवा लिख दें नन ऑफ डीज सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर सो द राइट आंसर इज एपी क्यूटिकल राइट जो आपका प्रो क्यूटिकल है उसमें काइटिन प्रोटीन होती है ठीक है uh, वो लेयर जो है उसमें काइटिन होता है जो आपका एपी uh, क्यूटिकल है वो एक नॉन काइटिनस प्रोटीन लेयर है ओके okay? तुक्केबाजों लिख लो इसको कहीं पर लिख लो नोटबुक पे फिर से ये क्वेश्चन लाऊंगी और तुम सबका ये जो रुड विषु भु, ये भूमिका ने तो ठीक लिखा है विषु ही दिखी अभी मुझे कल्प्रिट विशु बोलेगी सही आंसर देखते नहीं हो अभी गलत आंसर लिखा तो देखे जा रहे हो मुझे ही देख रहे हो तो समझ में आ गया बेटा एपी क्यूटिकल क्यूटिकल की दो लेयर्स होती है एपी क्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल जो एपी क्यूटिकल होती है उसमें काइटिन नहीं होता है ना जो प्रो है बिल्कुल जो क्या बोलना है प्रो क्या होती है बिल्कुल अमेजिंग वाली तो उसमें काइटिन होता है है ना और जो एपी वाली है उसमें काइटिन नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ चीफ ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इन इंसेक्ट्स ठीक है इंसेक्ट्स की ही बात हो रही है सो uh, so, श्वेता ओके थैंक यू विशु बोल रही एंटो नहीं आती अरे एग्रीकल्चर में एंटो नहीं आती तुम्हें कोई बात नहीं अब से आएगी रोज तो तुम आती हो ना और क्या चाहिए कंसिस्टेंसी चाहिए देखा ना मेरा आज का जन सेशन देखा ना वो वाला कि फाइव रूल्स कौन से हैं कि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है पार कर सकते हो जल्दी देखना यूट्यूब चैनल पर मैंने सुबह सेशन लिया है पंद्रह बीस मिनट का उसको ढंग से सुनना एक बार सो so, यहां पर थैंक गॉड ये इजी क्वेश्चन था और सबने सही आंसर किया है इट इज योर मालफीजियन टिब्यूल्स ठीक है So, uh, जो इंसेक्ट्स होते हैं उसमें uh, जो है वो एक्सक्रीशन किससे होती है आपकी इन मालफीजियन टिब्यूल से होती है जैसे यहां पे आप देख सकते हो यहां पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ठीक है ये वाला यहां से एक्सक्रीशन होता है ओके सो दिस इज योर मालफीजियन टिब्यूल जहां से एक्सक्रीशन होता है सो so, इसके अलावा और भी होते हैं लेकिन जो मेन चीफ ऑर्गन है वो यही होता है ना जिसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारी तो मुंजे भी उल्टी निकल जाती है वैसे ही इनका जो एक्सक्रेशन का मेन है वो आपका मालफीजियन ट्रिब्यूल है चलो ओके okay. उसके अलावा जो बाकी थे आपके जैसे कि आपका टेनिडिया ये क्या होता है बेटा जो आपका ट्रेकिया होता है उसकी एक स्पाइरल थिकनिंग हो जाती है उसको बोला जाता है आपका टेनिडिया ठीक है अगर हम ट्रेकिया की बात करें ठीक है तो ट्रेकिया क्या होता है हॉलो ट्यूब्स होती हैं जो थोरेसिक और एब्डोमिनल स्टेम सेगमेंट ऑफ इंसेक्ट में होती है ठीक है हीमोसिल मुझे आप बताओगे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मेंशन किया बेटा हिमोसिल क्या होता है चलो बताइए सनी वर्मा बोल रहे हैं मुझे एंटो तो आती है लेकिन पेपर देने के बाद चली जाती है शाबाश है आपको चलो ओके okay. सो so, हीमोसिल जो सबसे पहले बताएगा वो उसको मैं आज का टॉप टू में तो मान ही लूंगी चलो बताओ हीमोसिल देखते हैं कौन कितने ध्यान से सुन रहा है योगेंद्र समृति दामिनी दामिनी ब्लड लिख रही है नहीं बेटा अब ब्लड तो हीमोलिव था मैंने क्या बोला था सील कहां करना पड़ता है सील मतलब सील जहां पर बेटा कैविटी होगी कैविटी मतलब कोई छेद होगा वहीं पे हमें क्या करना पड़ेगा सील करना पड़ेगा उसको सील होता है एकदम बंद करना पड़ेगा तो सील जो है हीमोसील जो है वो कैविटी बॉडी कैविटी है इंसेक्ट में ठीक है समझ में आ गया चलो अब ये रहे आपके ट्रैक्योल जो हैं आपके ट्रैकिया है ये आपकी थिकनिंग हो रही है यहां पे में ठीक है और बीच में ये एयर सैक्स है सो दिस इज द स्ट्रक्चर जहां से रेस्पायरेशन होती है आपका जो इंसेक्ट है वो मैं आपको पहले ट्रैकिया वाला क्वेश्चन कल बता चुकी हूं है ना इंसेक्ट के पास लंग्स नहीं होते वो यहां से ही रेस्पायर करता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेस्ट आउटब्रेक टेन टू अक्कर वेन तो पेस्ट आउटब्रेक कब होता है जब आप क्रॉप को मोनोकल्चर में लगाएं या नेचुरल एनिमीज को इंपोर्ट करें फ्रॉम एब्रॉड या फार्मर जो है कोई स्विच कर दे नई क्रॉप को जैसे पोटैटो लगा रहा है तो टोमेटो लगाना शुरू कर दे तब होता है पेस्ट आउटब्रेक या एक जगह पे मोनोकल्चर मतलब दूर दूर तक जो है वो एक ही चीज वो कर दे है ना एक ही चीज कल्टीवेट कर दे मोनोकल्चर इज लाइक दैट सो शिवा बोल रहे हैं फोर्थ आ, चेतक बोल रहे हैं वन आकाश भी बोल रहे हैं वन परिष्ठा भी बोल रही है वन सो वेरी नाइस विशु भी बोल रही है वन चलो जी ये क्वेश्चन तो आपका हो गया ठीक ठीक है तो जब आप आउटब्रेक क्या होता है कि आपका पूरे फील्ड में ही पेस्ट फैल गया है राइट तो अगर आप मोनोकल्चर जो है एक ही क्रॉप लगा दोगे और टोमेटो फ्रूट बोरर आ गया और टोमेटो ही लगा है तो पेस्ट जो है वो तेजी से पूरे उसमें फैल जाएगा ठीक है सो द राइट आंसर इज नेचुरल एनिमीज से थोड़े ना फैलेगा बेटा नेचुरल जो ऑल लिख रहे हैं ना नेचुरल एनिमीज क्या होते हैं वो तो पेस्ट को खा जाएंगे नेचुरल एनिमीज क्या होते हैं बेटा क्या होते हैं नेचुरल एनिमीज आपके पेस्ट के होते हैं वो पेस्ट को खा जाते हैं इन ये हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं ठीक है, ओके और फार्मर ने नई क्रॉप लगाई तो पेस्ट को क्या बढ़ी हुई है पेस्ट तो उसी क्रॉप को खाएगा ना जो उसको पसंद है चलो ओके सो वर्ड था इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स था और यूरा जहां पे यूरा का मतलब क्या होता है ब्रिस्टल होता है टेल होता है ट्यूब होता है या इनमें से कुछ भी नहीं यस yes, यस yes, दामिनी जैसे प्रीडेटर होते हैं चलो बताइए कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया ये एक ऑर्डर होता है ये दो वर्ड से डिराइव हुआ है ठीक है तो वो दो वर्ड कौन से हैं? इसमें बोला है ये जो है वर्ड है ना ये दो वर्ड से डिराइव हुआ है आपका था यू आर उरा। तो यहां पे थाईसेन का मतलब और यूरा का मतलब तो यूरा का मतलब पूछा है यूरा का मतलब क्या होता है सो यहां पर राइट आंसर आ गया है युरा का मतलब होता है टेल और थाइसेन का मतलब कौन बताएगा बेटा जैसे इसमें एग्जाम्पल आता है आपका सिल्वर फिश सबने देखिए सिल्वर फिश तो सिल्वर फिश में क्या होता है एक साइड में ना पीछे जैसे एक टेल सी लगी होती है अभी शायद मैंने फोटो रखी है इसके आगे ठीक है तो एक टेल सी होती है तो वो उनका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है ठीक है उसके अलावा थाइसैन मतलब वो थोड़े ना हेयरी हेयरी से होते हैं ठीक है हल्के-हल्के से उसमें जो है वो फ्रिंज इसका मतलब होता है फ्रिंज तो थोड़े स्मॉल हेयरी सा होता है ठीक है तो इट इज लाइक फ्रिंज और फ्रिंज क्या होता है आपका एफ आर आई एन ये होता है स्मॉल हेयरी स्ट्रक्चर और यूरा का मतलब होता है बेटा टेल ठीक है तो ये क्वेश्चन यही था ओके okay? चलो अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ टू इज द राइट आंसर टेल ही है मैंने लगाया था शायद लास्ट में रह गया वो चलो ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो सिल्वर फिश तो सबने देखी है ना आपकी टेल जैसी होती है उसमें लास्ट में ठीक है नाउ केमिकल विच ऑरियंट इंसेक्ट्स टू वार्ड्स द होस्ट इसका क्या मतलब है ऐसे केमिकल जो इंसेक्ट को जो है होस्ट की तरफ खींचते हैं टू वार्डस होस्ट उनको क्या बोला जाता है अट्रेक्टेंट्स रेपलेंट सुप्रेसेंट्स या डिटर्जेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है वेरी नाइस सो द राइट आंसर इज ओके अट्रैक्टेंट्स बोलते हैं उनको वेरी नाइस nice. उनको अट्रेक्टें बोलते हैं ओके विच कॉमन नेम इज इन करेक्टली रिटर्न इनमें से कौन सा कॉमन uh, नेम जो है वो इनकरेक्टली रिटर्न है हनी बी ग्राउंड बीटल लाइटनिंग बर्ग या हॉर्सफ्लाई इनमें से कौन सा नाम जो है वो गलत है कोई नाम होता ही नहीं है हनी भी तो सही है भाई हनी भी हमारी मधुमक्खी होती है वो तो बिल्कुल सही है इनकरेक्ट नहीं है है ना ग्राउंड बीटल होता है कि नहीं होता है ग्राउंड बीटल भी होता है तो लाइटनिंग बग और हॉर्स फ्लाई में से वेरी नाइस सो राइट आंसर इज योर डी इट्स फ्लाई गुड नेक्स्ट क्वेश्चन एबिलिटी ऑफ अ केमिकल टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द टारगेट एनिमल बताइए इसको क्या बोलते हैं एक केमिकल की एबिलिटी है ना कि अगर वो टारगेट एनिमल या इंसेक्ट पे डाले है ना तो उसका पूरा बाय जो बायोलॉजिकल उसका सिस्टम है वो पूरा हिल जाएगा उसको क्या बोलते हैं क्विट एक्ट टॉक्सिसिटी क्रॉनिक टॉक्सिसिटी सिर्फ टॉक्सिसिटी या प्वाइजनिंग ओके इसमें तो तुम तुक्का लगाओगे ओनली टॉक्सिसिटी हम इसको बोल सकते हैं ओके चेतक का सही है यार पता नहीं अब तुक्का लगाया था या क्या था सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुगर केन लीफ हॉपर बिलोंग्स टू द ऑर्डर तो ये जो शुगर केन लीफ हॉपर होता है ये कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है हेमिप्ट्रा होमोप्ट्रा हेमनोप्टरा या इनमें से कोई भी नहीं ओके okay. सो so, शिव ने सही आंसर किया है यहां पर वेरी नाइस ओके मैम ने भी सही आंसर किया आकाश का गलत हो गया यहां पे। सो द राइट आंसर इज होमोप्टरा, नॉट हेमिप्ट्रा इट्स होमोप्टरा, नॉट ए आकाश ओके चेतक का भी तुक्का गलत हो गया इस बार तो होमोप्ट्रा से होता है ये शिवी का ठीक है है ना तो शुगर के लीफ ऑप्टर हीप हॉपर जो है वो होमोप्टरा से होता है ओके देन केमिकल विच ओरिएंट इंसेक्ट अवे फ्रॉम द होस्ट ऐसे केमिकल जो इंसेक्ट को ना होस्ट से अवे कर देते हैं अलग कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं हाँ हेमी में बग आते हैं वेरी नाइस nice, योगेंद्र चलो जल्दी से बता दो ओके okay. सो so, मैम लिख रही है टू कोई बात नहीं संध्या गलत हो गया तो अगली बार सही होगा मैं रिपीट लाऊंगी ये क्वेश्चन रैपिड फायर में लेके आऊंगी ठीक है सो ओके वेरी नाइस सो इट इज इंसेक्ट रेपेलेंट इन आइसोप्ट्रा आइसो मीनस आइसोप्ट्रा जो ऑर्डर होता है बेटा उसमें आइसो का मतलब क्या होता है अनइक्वल इक्वल लार्जर या स्मॉलर सो वेरी नाइस इट्स इक्वल ओके इक्वल होता है ये नेक्स्ट टर्माइड्स कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम जो टर्माइड्स होती हैं उनको आप कहां से कलेक्ट कर सकते हैं मिट्टी से सॉयल से वाटर से पेपर से या वुड से बताइए कहां से आप टर्माइड्स को कलेक्ट कर सकते हैं ओके okay. वेरी नाइस ठीक है आकाश का यहाँ पर सही है इट्स वुड तो ये ज्यादा सही है यार जिसका पहले तीन में आ गया वो करके मैं आगे बढ़ रही हूं है ना ताकि सबको जो है जल्दी जल्दी आ, सब दिख जाए ओके okay? तो हम जल्दी ज्यादा जो है वो आ, फोकस कर पाएंगे देन लीफ इंसेक्ट्स बिलोंग टू द फैमिली जो लीफ इंसेक्ट होते हैं वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं है ना योर फैजमीडे फाइलीडे नि डे या एग्रियोनीडे बताइए जो लीफ इंसेक्ट होते हैं वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं सो द राइट आंसर हेयर इज फाइली ओके तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं मैं फिर से रिपीट करवाऊंगी हाँ दैट इज बग बिलोंग्स टू ऑर्डर जो ईयर वीग होता है, है ना ये ये कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है जोरेप्ट्रा डर्मेप्टरा, फैजमिडा या इनमें से कोई भी नहीं तुक्का लगाए हैं आप चलो सो so, डरमेप्ट्रा से ईयर वर्क जो है वो बिलोंग करता है सब अपने अपने एनालाइज कर लेना तो इसी के साथ हम आज का सेशन जो है वो खत्म करते हैं इसके अलावा बेटा किसी को भी अगर एक प्रॉपर एक स्टडी प्लान के साथ स्टडी करनी है पूरे कॉन्सेप्ट जिसको चाहिए कि एंटोमोलॉजी का स्टार्टिंग से एंड तक कैसे आप लर्न रख सकते हो चीजें जैसे मैंने आपको बताया कैविटी को सील कर देंगे हीमो सील तो ऐसे ही इंडेक्स वाइड सब कुछ पढ़ने के लिए आप हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हो अगर आप एएफओ में जाना चाहते हो तो सिक्सटीन मई को एक नया बैच एनरोल हो रहा है देन एवरी माहपैक जो है वो आपका वन टाइम सब्सक्रिप्शन है जहां पे आप पूरे एक साल तक जितने भी आने वाले एग्जाम है उनकी टेस्ट सीरीज उनकी ई e बुक्स हमारी जो भी बुक्स हैं हमारा जितना भी मटेरियल है वो सब आपको एग्रीकल्चर महापैक में मिलता है तो आप कोड यूज कर सकते हो वाई सेवन एट वन सात और आठ में एक का डिफरेंस होता है ठीक है इसके लिए आप कोई भी बैच में एनरोल करना चाहो तो आप ये कोड में मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो अगर आपको हमारी एस एग्रीकल्चर की बुक चाहिए जिसमें सारे एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट हैं तो आप वाई सेवन एट वन एस कोड यूज कर सकते हो ठीक है इसके साथ ही आप इनमें एनरोल कर कैसे सकते हो अगर आपको मुझसे पढ़ना है ना तो अगर आप मुझसे चाहते हो कि आप मुझसे उड़ान भी पढ़ना चाहते हो जेनेटिक्स भी पढ़ना चाहते हो सीट भी पढ़ना चाहते हो देन दिस इज माई फाउंडेशन बैच उड़ान तो उड़ान का पेड बैच है तो इसकी फीस जो है बहुत ही रीजनेबल है ओके okay? सो so आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो विद माई कोड वाई ओके और आप यहां पे जा कैसे सकते हो आप अपने YouTube पे जाओगे सिंपल ठीक है जैसे अभी आप YouTube पे हो आप जो वीडियो देख रहे हो बेटा उसकी डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करोगे जैसे यहां पर अगर हम अड्डा ट्वेंटी टू फोर सेवन और देन प्रतिभा चलो ओके सो यहां पर अगर हम बात करें यहाँ पर आप सारे डिस्क्रिप्शन देख सकते हो बेटा यहाँ पर क्रिपको का लिंक है एएफओ का है पंजाब एडीओ का है यूपी ट्रिपल एस का है एमएससी एंट्रेस का है एग्रीकल्चर महापैक का है तो इस लिंक को आप ओपन करोगे तो आप डायरेक्ट यहां पर पहुंच जाओगे तो यहाँ पर अभी तो ये दिख रहा है थर्टी वन थाउजेंड नाइन 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 का जब आप इसको बाय नाउ करोगे और कोड लगाओगे वाई वन तो ये कोर्स आपको सेवन थ्री फाइव नाइन सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी नाइन में मिल जाएगा ओके इसमें आपको सारी बुक्स मिलेंगी सारे कोर्सेज मिलेंगे एक स्टडी uh, प्लान के साथ आपको पढ़ाई कराई जाएगी सो so, जो भी इंटरेस्टेड है वो मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं सो uh, so, आपसे उड़ान पढ़ेंगे ठीक है बेटा आ जाओ पढ़ने सो so, बच्चों को हाँ बच्चों के बच्चों के लिए पार्टी का पूरा बंदोबस्त हो गया है है ना तुम्हें मेरा गिफ्ट कहा है वैसे हाँ तुम्हें बड़ी पार्टी चाहिए मेरा गिफ्ट कहा है गिफ्ट दो पहले गिफ्ट दे दो पार्टी ले लो चलो एक तरफा ही चाहिए है ना बर्थडे पे गिफ्ट्स नहीं देते क्या चलो सो भाई Uh, ये तो हो गया आपका अगर आपको पूरा स्टडी प्लान चेक करना है तो हर बैच के साथ उसका स्टडी प्लान अटैच है कितने घंटे 500 लाइव uh, जो घंटे आपको uh, पढ़ाई कराई जाएगी ठीक है कितने टीचर्स हैं कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है कौन से दिन क्या पढ़ा रहा है कितने दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा सब कुछ वहां पे है ठीक है सो so, राजनंदिनी बोल रही है मैम एस बुक्स ऑर्डर करनी है कैसे करें ओके राजनंदिनी आप एस बुक जो है आपको यहां पर मिल जाएंगी Hmm, किसी भी इसमें आप जाओगे होम पर जाओ ठीक है ऑल कोर्सेज पे जाओ एग्रीकल्चर में जाओ ठीक है जब आप होम पेज पे जाओगे ऑल कोर्सेज पे जाओगे तो आपको क्या करना है एग्रीकल्चर में जाना है वहां पे आप कोई भी जो है वो एग्रीकल्चर महापैक जो है क्लिक कर दो एग्रीकल्चर महापैक जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे बुक्स का ऑप्शन आएगा ऊपर है ना जब बुक्स का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर आपको जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं या जितनी भी बुक्स हैं वो यहां पर जो है आपको शो हो जाएंगी आप यहाँ से बुक्स को ले सकते हैं ठीक है सो लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहे हो इट्स ओके लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहे हो तो इसी के साथ हम आज का सेशन खत्म करते सिक्स थर्टी एट हो गए ठीक है सो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे बर्थडे विश किया है सो so, ओके okay, राजनंदिनी Uh, अगर नहीं पता चलेगा तो मेरी वीडियो पे कमेंट कर देना मैं आराम से आपको बता दूंगी या शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी ठीक है कैसे कैसे करना है सब बता दूंगी एंड दैट्स इट ओके ओके ये एग्रीकल्चर कोर्सेज अभी जाके लास्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं चलो सोनू कुमार अभी हाई करे अभी बाय करने का टाइम आ गया है ठीक है so, सो मिलते हैं मंडे को नई क्लास के साथ ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चन लाती रहूंगी और किसी को भी अगर पूरा एक मतलब होता है ना एक वन आर की स्टडी एक कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी जिसमें सारी ट्रे एक सारा स्टडी प्लान होगा तो आप मेरा उड़ान का फाउंडेशन बैच ले सकते हो वाई सेवन एट वन कोड यूज करके ठीक है सो इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं बाय बाय